हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवस्था क्लास 12th की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। क्लास 12th मेरे प्यारे भी इंपॉर्टेंट सवाल आपके चल रहे थे, जो चैप्टर्स छूटे हुए हैं उनको हम पूरा कर देते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम 2023 में आने की संभावना है। ठीक बात है मेरे प्यारे भाई। चैप्टर आपका है चैप्टर नंबर 11, इसके क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराए थे, अब मैं आपको करा देता हूँ। अरे कोई चैप्टर आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 है त्रिविमीय ज्यामिति, इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई। यहाँ से आपको कम से कम एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कभी कभी क्या होता है दो क्वेश्चंस भी आपको मिल जाते हैं, मतलब कम से कम 10 नंबर, 5 5 नंबर के दो क्वेश्चंस यहां से आ सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, लेकिन अगर आपकी किस्मत सही रही तो दो क्वेश्चंस भी यहां से आ जाएंगे। बहुत मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट हो, यहां से वो क्वेश्चन आते हैं ना डिटो फॉर्मूला बेस, अगर फॉर्मूला पता है तो सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा जो डिटो फॉर्मूलाज वाले हैं, जो पेपर में आते हैं 2019 पेपर में, 2020 के पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको मैं उठा करके आपको सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक बात है, तो पेपर में आएगा, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं है। चैप्टर नंबर 11 है त्रिविमीय ज्यामिति। मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास 12 के जितने चैप्टर्स हैं ना उसके इंपॉर्टेंट सवाल हो रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने क्वेश्चन। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। कह रहा है कि उस समतल का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने से जाता है और इतने दिक अनुपात वाली रेखा पर लंब है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि आर वेक्टर माइनस का ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर 0, यही फॉर्मूला यहाँ पर लगा देना है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर कह रहा है बिंदु, तो बिंदु का स्थिति सदिश आप कैसे निकाल सकते हैं? तो बिंदु का अगर आप जो यहाँ पर बिंदु दिया गया है इसका स्थिति सदिश कैसे निकाल सकते हैं, इसे सदिश रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो यही मेरे प्यारे दोस्तों होगा, जो बिंदु है बिंदु से आपको ए वेक्टर मिलेगा, तो ए वेक्टर इसका सदिश कैसे लिखा जाएगा? तो ये आप देखो 5i आई जे के रूप में लिख दो, तो 5i देखो 2 के सामने क्या है प्लस है, तो 2j हो जाएगा, के सामने क्या है माइनस, तो 4k हो जाएगा। ठीक बात है मेरे दोस्तों, तो यहाँ से आपको ए वेक्टर मिल गया। अब देखो यहाँ पर देखो ये दिक अनुपात वाली रेखा पर कह रहा है लंब है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो इस समतल के लंब का अभिलंब सदिश कैसे आएगा, मतलब n कैसे आएगा? तो n वेक्टर आपको यहाँ से मिल जाएगा मेरे प्यारे भाई, जो समतल है समतल के लंब का अभिलंब सदिश n, n कैसे आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? ये दिक अनुपात है ना, दिक अनुपात लिखा गया है, इसे भी सदिश रूप में लिख दो, तो कैसे आ जाएगा? ये आपका हो जाएगा 2i प्लस का 3j, प्लस का 3j हो जाएगा, माइनस का k का f हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ फॉर्मूले में जब आप रखेंगे तो ये हो जाएगा r वेक्टर माइनस का a वेक्टर, यहाँ पर आपका है 5i प्लस का 2j माइनस का 4k का f है मेरे दोस्तों, ऐसे लिख लेना है। अब देखो डॉट कह रहा है, डॉट लिख देना है। अब n वेक्टर लिखना है, n वेक्टर कितना है यहाँ पर आपका 2i प्लस का 3j माइनस का k का f बराबर किसके हो जाएगा? 0 के, फॉर्मूला हमने रख दिया। अब देखिए यहाँ पर मेरे दोस्तों, ये जो r वेक्टर है ना इसको भी आई जे के फॉर्मेट में लिख सकते हो, तो इसको r वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो जाएगा मेरे प्यारे भी। r वेक्टर को आप ऐसे भी तो सदिश फॉर्मेट में लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखो माइनस का 5i है लिख दो, प्लस का 2j है लिख देंगे, एक सेकंड मेरे दोस्तों, ये जो आपका ये आप ना इसको बड़े ब्रेकेट में कर लो क्योंकि दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर देखो माइनस है और ये क्या है, अगर अंदर जाएगा माइनस तो दिक्कत हो जाएगा, इसे आप बड़े ब्रेकेट में लिखना। ठीक बात है, ये हो गया, तो ये देखो ये बड़े ब्रेकेट में हो जाएगा और अंदर आप छोटे ब्रेकेट में लिखें, ये आप छोटे ब्रेकेट में लिखना। ठीक बात है, नहीं दिक्कत हो जाता अभी माइनस प्लस का। यहाँ पर देखो 4k का f हो जाएगा और यहाँ पर आप बड़ा ब्रेकेट लगा लें। अब ये डॉट प्रोडक्ट में आपका लिखा गया है 2i प्लस का 3j माइनस का k का f बराबर किसके हो गया, 0 के हो गया। अब देखो यहाँ पर देखो आई जे के यहाँ भी, आई जे के यहाँ भी, इसको आप एक साथ कंबाइन करके लिख सकते हो, कैसे देखो कंबाइन करके लिख सकते हो। देखो यहाँ भी देखो, देखो दोनों को देखो, आई आई यहाँ पर भी है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो मेरे दोस्तों, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो। देखो ये एक्स लिख लो, देखो यहाँ पर आई का गुणांक लिख लो, जे का गुणांक लिख लो और आई को आप बाहर ले लो, कॉमन ले लो। ठीक बात है, आई भी कॉमन, जे भी कॉमन, के भी कॉमन, तो यहाँ पर देखो एक्स है, यहाँ पर देखो ये जो माइनस अंदर जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, हमने माइनस को अंदर भेज दिया। अब देखो आई वाले को एक साथ, जे वाले को एक साथ, के वाले को एक साथ, यहाँ से देखो एक्स है आपका, तो एक्स माइनस का 5 ये आपका हो जाएगा आई कैप, प्लस का चिन्ह लगाओ। देखो जे वाले को देखो, आप जे वाले को अगर आप जे वाले को देखेंगे मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर जे का गुणांक कितना है वाई, तो वाई लिख देंगे, यहाँ जे का गुणांक कितना है माइनस का 2, तो जे वाई माइनस का 2 ये आपका हो जाएगा जे कैप। अब के वाले को देखो, अगर आप के वाले को देखोगे तो प्लस लगाओ, के का गुणांक कितना है जेड, यहाँ पर जेड लिख लो। अब देखो यहाँ पर के का गुणांक कितना है प्लस का 4, तो यहाँ पर प्लस का 4 लिख लो और ये आपका हो जाएगा के कैप। अब यहाँ पर मेरे दोस्तों डॉट लिखा गया है 2i प्लस का 3j माइनस का के कैप, तो यहाँ पर आपका आ गया 2i प्लस का 3k माइनस का
थ्री जे है, माफ करना, ये आपका है थ्री जे माइनस का के कैप बराबर किसके हो जाएगा, जीरो के हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब देखो इनका डॉट प्रोडक्ट कहा गया है, देखो डॉट प्रोडक्ट कहा गया है ना, तो आप जानते हैं कि आई डॉट आई क्या होता है, आई डॉट आई एक होता है, जे डॉट जे क्या होता है, ये भी एक होता है, के डॉट के क्या होता है, ये भी एक होता है। तो मेरे दोस्तों देखो यहाँ पर एक्स माइनस पाँच आई, अगर एक्स माइनस पाँच आई का गुणा आप टू आई कैप में कराएंगे तो देखो आई आई डॉट आई आई डॉट आई, आई डॉट आई क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो दो एक्स माइनस का पाँच करके देख लेना आप, जब आप इन दोनों का गुणा कराएंगे, डॉट प्रोडक्ट है ना तो गुणा ही तो कराएंगे, तो देखो ये दोनों तो गुणे में हो जाएंगे जो कांस्टेंट है, दो और एक्स माइनस का पाँच, आई डॉट आई क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो एक हम लिखते नहीं हैं, यहाँ पर प्लस का हो गया। अब फिर देखो वही कंडीशन बनेगी, जे डॉट जे क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो जे का गुणांक कितना है तीन, और यहाँ जे का गुणांक कितना है वाई माइनस का दो, ये गुणे में लिख लिया जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी देखो, यहाँ देखो मेरे दोस्तों, यहाँ पर देखो के डॉट के क्या हो जाएगा, के डॉट के एक हो जाएगा, लेकिन मेरे प्यारे यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि माइनस का एक का गुणा इसमें जो आप करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो एक लिखा नहीं जाता, तो यहाँ पर जेड प्लस का के केवल लिखा जाएगा, और बराबर किसके हो जाएगा, जीरो के हो जाएगा। अब इनका अंडर गुणा करा दो, तो ये आपका हो जाएगा दो एक्स माइनस का दस प्लस का तीन वाई माइनस का छः, ये माइनस का जेड, और ये आपका हो जाएगा माइनस का के बराबर जीरो। अब मेरे दोस्तों एक्स वाई जेड को एक साथ ले लो, तो एक्स कितना है आपका दो एक्स है, वाई यहाँ पर कितना है तीन वाई है, जेड कितना है माइनस का जेड है, माइनस का जेड है, कहीं दिक्कत हो गया क्या, देखो यहाँ पर जेड प्लस का चार है, जेड प्लस का चार यही तो है मेरे दोस्तों, जेड प्लस का चार है ना, तो अगर जेड प्लस का चार है तो यहाँ पर आप देखो माइनस हो गया था, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, चार ही आएगा मेरे प्यारे भी, माइनस का जेड माइनस का चार, अब सही है, ठीक बात है। देख लेना आप यहाँ पर देखो दस माइनस का दस माइनस का छः माइनस का चार कितना हो गया, बीस हो गया, उधर जाएगा प्लस का बीस हो जाएगा, तो मेरे प्यारे भी दो एक्स प्लस का तीन वाई माइनस का जेड बराबर बीस, यही हो गया कार्तीय रूप में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, कार्तीय रूप में यही हो जाएगा, और यही आपका मेरे प्यारे दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक बात है। इसको आप नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं, कह रहा है कि रेखाओं L1 और L2 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है मेरे प्यारे भाई, जिनके सदिश आपको दिए गए हैं, दो वेक्टर आपको दिया गया मेरे दोस्तों, ठीक बात है। देखो जब भी आपको दो रेखाएं दे दी जाएं, और यहां से कहेगा आपको न्यूनतम दूरी, ठीक बात है, न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है मेरे प्यारे भाई, डी का मान आपको ज्ञात करना है, तो ऐसे क्वेश्चन दो टाइप के बनते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक बात है। एक क्वेश्चन मैं ये करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन अभी और कराऊंगा। मैंने 2020 में पेपर दिया था ट्वेल्थ का, तो ये क्वेश्चन नहीं आया था, जो अभी सेकंड थर्ड क्वेश्चन कराऊंगा ये क्वेश्चन आया था मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक बात है। तो देखो चेंजेस होके आते रहते हैं, तो डिफरेंस कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा, सेम ही क्वेश्चन रहेगा, बस आपको फॉर्मूला दोनों अलग अलग है, उनको ध्यान रखना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर दो लाइनें दी गई हैं, ये जो लाइन दी गई है ना आर वैक्टर बराबर, ये आया कहाँ से था, ये आया मेरे दोस्तों यहाँ से था कि आर वैक्टर बराबर इसका जो व्यापक रूप है पहली लाइन का ए वैक्टर प्लस लेमडा बी वन वैक्टर, व्यापक रूप ये है, ए वेक्टर का मान ये दे दिया गया, लैम्डा लगा दिया गया, बी वन वेक्टर का मान ये दे दिया गया, ठीक बात है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दूसरी जो लाइन दी गई है, यहाँ पर देखो ऐसे इसका व्यापक रूप ये है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए टू वेक्टर प्लस का लैम्डा बी टू वेक्टर। देखो ए टू का मान ये हो जाएगा म्यू, यहाँ पर लैम्डा नहीं म्यू कर लेना, म्यू होता है, ठीक बात है, अलग अलग होगा दोनों ना, यहाँ पर लैम्डा यहाँ पर म्यू, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पर म्यू देखो हो गया, अब ये बी टू का मान ये दे दिया गया, ठीक बात है मेरे प्यारे दोस्तों। अब आपसे कहता है कि न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है मेरे दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान देना, तुरंत यहाँ पर आप ध्यान देना, जब भी आपको न्यूनतम दूरी की क्वेश्चंस आ जाएंगे तो यहाँ पर देखना जो लैम्डा के बाद लिखा गया और म्यू के बाद, क्या यह दोनों सेम है, नहीं, यहाँ पर देखो दोनों डिफरेंट हैं, दोनों अगर डिफरेंट होंगे तो न्यूनतम दूरी डी बराबर आपका हो जाता है मेरे प्यारे भाई। आप मॉड लगाएंगे, मॉड लगाएंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे बी वन क्रॉस बी टू, बी वन क्रॉस बी टू, बी वन क्रॉस बी टू डॉट वेक्टर, यहाँ पर आपको लगा लेना है बी वन क्रॉस बी टू वेक्टर, यहाँ पर हो जाएगा आपका ए टू वेक्टर माइनस का ए वन वेक्टर अपॉन में, ये जो आपका बी वन क्रॉस बी टू निकालेंगे ना इसी का मॉड ले लेना है, तो बी वन क्रॉस बी टू का आपको क्या ले लेना है मेरे प्यारे भाई, मॉड ले लेना है, और यहाँ पर बड़ा मॉड आपको लगा देना है, ये फॉर्मूला आपका बनेगा, ठीक बात है। अगर यहाँ पर दोनों डिफरेंट है, बी का मान अगर डिफरेंट है, बी वन अलग हो जाएगा, बी टू अलग हो जाएगा, ठीक बात है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला काम को आपको करना है,
यहाँ पर देखो बी वन बी टू क्या है, देखो ये आपका बी वन हो जाएगा, ये आप लिख लेना एक लाइन कि यहाँ पर देखो ए वन, तुलना कराओ अगर आप व्यापक रूप से तो ए वन का मान ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका ए वन का मान हो जाएगा, बी वन मेरे प्यारे भाई ये हो जाएगा, देखो यहाँ से आप देखेंगे तो बी टू का मान ये हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से आप देखेंगे तो ई टू का मान आपका ये हो जाएगा, यहाँ पर आप एक लाइन लिख देना, ठीक बात है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहला काम है आपको बी वन क्रॉस बी टू निकालना, तो कैसे निकाल पाएंगे, देखो बी वन क्रॉस बी टू वेक्टर आप कैसे निकाल पाएंगे, डिटर्मिनेंट के तरीके से, ठीक है मेरे दोस्तों। कैसे होगा, बी वन क्रॉस बी टू निकलेगा डिटर्मिनेंट के तरीके से, देखो बी वन ये है बी टू ये है आपका, तो आई जे आपके आपको लिख लेना है, आई जे के लिख लेना है। अब देखो आप बी वन से निकालेंगे तो आई का कॉफिशेंट कितना है दो, जे का कॉफिशेंट कितना है माइनस का एक, के का कॉफिशेंट कितना है एक, गुणांक कॉफिशेंट का मतलब गुणांक, तो दो माइनस का एक एक हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका दो माइनस का एक एक हो गया। अब देखो यहाँ पर बी टू आपका है तो बी टू कितना है तीन माइनस का पाँच दो, तो यहाँ पर आपको गुणांक लिख लेने हैं आई जे के, तीन माइनस का पाँच और ये आपका हो गया दो मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक बात है। तो यहाँ से देखो आपका बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर का मान कितना आ गया, सॉल्व करेंगे आप तो देखो आई वैक्टर है, अब देखो इसके सामने वाला रो कॉलम जीरो, दो एक कम दो तो ये माइनस का दो हो जाएगा, यहाँ माइनस लगता है, देखो पाँच एक कम पाँच लेकिन माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का पाँच हो जाएगा। देखो यहाँ पर आप जानते हैं प्लस होता है, यहाँ पर क्या होता है माइनस होता है, यहाँ पर प्लस होता है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आप जानते होंगे। अब देखो इसके सामने वाला कॉलम और रो जीरो हो जाएगा तो माइनस लगा, अब जे लिखा गया जे लिख लेंगे, देखो दो दुनाई कितना हो गया चार और यहाँ पर तीन एक कम तीन तो माइनस का तीन हो जाएगा, फिर प्लस का क्या हो जाएगा प्लस का के हो जाएगा, के कैप सामने वाला रो कॉलम जीरो, पाँच दुआई दस तो माइनस का दस माइनस, देखो तीन एक कम तीन प्लस का हो जाएगा तीन मेरे प्यारे दोस्तों। सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस का दो प्लस का पाँच, ये आपका आ जाएगा प्लस का तीन आई, यहाँ पर देखो चार में से तीन जाएगा एक आएगा तो एक जे, तो एक का कोई मतलब नहीं है जे लिख देते हैं, माइनस का जे कैप हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, माइनस का दस प्लस का तीन ये माइनस का सात हो जाएगा, तो माइनस का सात के कैप हो गया, तो यहाँ से आपका बी वन क्रॉस बी टू वैक्टर आ गया मेरे प्यारे भाई, तीन आई माइनस का जे माइनस का सात के कैप, ठीक बात है। तो यहाँ पर बी वन क्रॉस बी टू की जगह आपको लिख लेना है क्या, तीन आई माइनस का जे माइनस का सात के कैप दोस्तों। अब आपको निकालना है ए टू माइनस का ए वन, क्या निकालना है आपको, ए टू वैक्टर माइनस का ए वन वैक्टर, यही तो आपको निकालना है। तो देखो ए टू कहाँ पर दिया गया, ए टू यहाँ पर आपको दिया गया है दो आई प्लस का जे, दो आई प्लस का जे माइनस का के कैप माइनस का के कैप, अब देखो यहाँ पर माइनस लगाए माइनस लगा लेंगे, माइनस लगाए तो माइनस लगा लेंगे और ब्रेकेट लगा लेते हैं क्योंकि माइनस दिक्कत कर जाएगा। अब देखो ए वन का मान दिया गया i प्लस का j, k नहीं दिया गया तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर i है प्लस का j है, अब k का मान जीरो था तो नहीं दिया गया, ठीक बात है, तो i और j ही दिया गया ए वन का मान, ए वन का मान कितना दिया गया केवल और केवल i प्लस का j। अब मेरे प्यार भी जब आप ब्रेकेट हटाएंगे तो ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया आपका, ठीक बात है। अब देखो यहाँ पर दो आई में से आई जाएगा तो एक आई आएगा, आई आ गया, देखो प्लस का जे माइनस का जे कैंसिल हो गया, केवल आपका बच्चा आई माइनस का के, तो ये आपका हो गया ए टू माइनस ए वन वैक्टर कितना आ गया आई माइनस का के, आई माइनस का के हो गया। अब यहाँ पर आपको आई माइनस का के लिख लेना है, आई वैक्टर माइनस का के वैक्टर यहाँ पर आपको लिख लेना है ए टू माइनस ए वन की जगह। अब देखो मॉड आप लगाएंगे मेरे दोस्तों, देखो मेरे दोस्तों अब मैंने आपसे कहा कि बी वन क्रॉस बी टू का मॉड आपको निकालना है, तो बी वन क्रॉस बी टू यहाँ से आपने निकाला था, अब इसका जब आप मॉड निकालेंगे, मॉड का मतलब ये हो गया कि बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर का मॉड, इसका मतलब क्या होता है कि जो आपने b1 क्रॉस b2 निकाला है उसको अंडर रूट में जो आपके i j k के कोफिशियंट हैं गुणांक हैं इनका स्क्वायर करके जोड़ दो, तो देखो ये आपका हो जाएगा तीन का स्क्वायर प्लस j का गुणांक कितना है माइनस का एक, तो यहाँ माइनस का एक का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर देखो k का गुणांक कितना है माइनस का सात, तो माइनस का सात का स्क्वायर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर देख लेते हैं, जब आप कैलकुलेट करेंगे मेरे दोस्तों ऊपर देखते हैं, नहीं तो यहाँ पर देखो बी वन क्रॉस बी टू वेक्टर, बी वन क्रॉस बी टू का मॉड देखो तीन का स्क्वायर नौ माइनस एक का स्क्वायर एक और सात का स्क्वायर उनचास, उनचास हो गया, देखो उनचास एक पचास, पचास नौ उनसठ, तो ये आपका हो जाएगा रूट के अंदर उनसठ, और उनसठ किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो ये रूट के अंदर आपका उनसठ ही हो जाएगा, तो ये आपका हो गया रूट के अंदर 59, ठीक बात है मेरे दोस्तों। अब देखो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लगा है ना, क्योंकि फॉर्मूला में क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट क्या मतलब होता है, डॉट प्रोडक्ट अगर आपको आ गया तो यह होता है आई डॉट आई क्या होता है मेरे दोस्तों एक, जे डॉट जे क्या होता है एक, के डॉट के क्या होता है आपने पढ़ा होगा के डॉट के कैप कितना होता है एक, तो आई का आई के साथ जे का जे के साथ के का के साथ,
तो आई का जब आई के साथ कराओगे, देखो आई वेक्टर क्या हो जाएगा, आई डॉट आई क्या हो जाएगा, आई डॉट आई एक होता है, तो एक जे कितना हो गया, तीन हो गया। देखो जे है नहीं, तो जे इसका मतलब यहाँ पर जे कितना था, शून्य था, तो जे का गुणा जब आप शून्य में कराएंगे, देखो जे डॉट जे कितना हो जाता है, एक हो जाता है। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ पर जीरो रहता, जीरो का एक में मल्टीप्लाई होगा, जीरो ही आ जाएगा, जे का कोई मतलब नहीं है, ठीक बात है। के को देखते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो के का गुणांक कितना है, एक, तो एक सत्य सात हो जाएगा, और के डॉट के क्या होता है, एक होता है, तो सात एक कम सात, तो ये आपका हो गया सेवन, और नीचे कितना हो गया आपका रूट के अंदर 59। ये आपका मॉड में था, मॉड में लिख लेते, यहाँ पर डी बराबर ये आपका आ गया। अब मॉड आप हटा सकते हैं, ठीक बात है। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, देखो सात तीन कितना हो गया, दस हो गया, अपॉन में ये आपका हो जाएगा रूट के अंदर 59, मतलब रूट के अंदर आपका हो गया 59, और 10/59, ये 59 है आपका, 10/59 मेरे प्यारे दोस्तों। यही आपका जो L1 और L2 के बीच की न्यूनतम दूरी है वो 10/59 आपका आ गया मेरे दोस्तों, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मैंने आपसे कहा कि इस टाइप के दो सवाल बनते हैं, एक सवाल आपका हो गया जब ये दोनों डिफरेंट हो, बराबर ना हो, ठीक है, समान ना हो। देखो ये अलग दिया गया, ये अलग दिया गया। अब जो दूसरा क्वेश्चन मैं आपके पास फेंकूंगा उसमें क्या होंगे, ये जो आपका बी है ना वो समान होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है मेरे दोस्तों। देखिए अगर आप नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं हमसे, तो आप शेयर वगैरह करते रहें अपने दोस्तों के साथ, जब आप शेयर वगैरह करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। देखो अब आप लास्ट बार ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप पेपर दे देंगे फिर हमसे जुड़ नहीं पाएंगे, लेकिन मैं आपके लिए प्रबंध ऐसा करता हूँ कि आप हमारे साथ कनेक्ट ही रहेंगे। क्यों कनेक्ट रहेंगे, क्योंकि देखो मैं 1 मार्च से एक सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको अरिथमेटिक मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, जो आपके कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। कंपटीशन की आप तैयारी करेंगे सरकारी एग्जाम की, तो उसको भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो इस वजह से आप कनेक्ट भी रहेंगे, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो सब्सक्राइब अगर आप कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप बताते रहना आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक बात है। तो नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। कह रहा है कि रेखाओं L1 और L2 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात है जिनके सदिश समीकरण, आपको यहाँ पर दो सदिश दिए गए हैं, ठीक बात है मेरे दोस्तों। जो यहाँ पर आपका पहला सदिश दिया गया है, इसका जो व्यापक रूप होता है वो इस प्रकार से है कि R⃗ = A₁ + λ₃ मेरे प्यारे भाई, ठीक बात है। दूसरा सदिश जो आपको दिया गया इसका व्यापक रूप है R⃗ = A₂ + μb। इसका मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे भाई, देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 आपने किया था वहां पर b अलग था, यहां पर देखो b सेम है, यही डिफरेंस समझना है मेरे प्यारे दोस्तों दोनों क्वेश्चंस में, ठीक बात है। वहां पर क्या था कि b1 b2 था, b अलग कोई चल रहा था, b1 अलग था b2 अलग था, यहां पर देखो b सेम है, तो मेरे प्यारे दोस्तों यही दोनों डिफरेंस आपको समझना है। हमारे पेपर में यही क्वेश्चन आपके 2020 में मैंने पेपर दिया था, तो ये क्वेश्चन आया था कि जब b आपका सेम रहे तो क्या फॉर्मूला लगता है, बीच की दूरी निकालना है, तो फॉर्मूला आपका होता है मेरे प्यारे मॉड ऑफ d बराबर मॉड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस, देखो A₂ - A₁ वेक्टर यहाँ पर आपको लगा लेना है, A₂ - A₁ वेक्टर अपॉन में जो आपका b रहेगा उसी का आपको मॉड ले लेना है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। वहाँ पर देखो फॉर्मूला दूसरा था, यहाँ पर फॉर्मूला दूसरा है, यहाँ पर b सेम, देखो 2i + 3j + 6k, यहाँ भी 2i + 3j + 6k, b समान है, तो क्या कर पाएंगे। देखो अब फॉर्मूले में आप रखते हैं, देखो एक लाइन आप लिख लेना कि A₁ बराबर ये आपको दिया गया है, ये A₁ है, A₂ वेक्टर बराबर ये आपको दिया गया, वेक्टर यहाँ पर लगा लेना, ये A₂ वेक्टर आपका ये हो जाएगा, ये आपका B वेक्टर हो जाएगा, ये भी सेम ही है, B वेक्टर हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब देखो यहाँ पर B वेक्टर कितना दिया गया, मॉड लगाना है, B वेक्टर आपका ये 2i + 3j + 6k, ठीक बात है। क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पर लगाना है, वहाँ पर डॉट था, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा, A₂ - A₁, देखो A₂ - A₁ कराना है आपको, तो कैसे होगा, देखो A₂ ये है, A₁ ये है, A₂ में से A₁ को घटाना है, तो देखो i में से i घटाएंगे, 3i में से 1i जाएगा, 2i आएगा, 2i आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर देखो 3i में से 2i जाएगा तो प्लस का 1i आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, j, माफ करना, j था यहाँ पर, j था, 3j में से 2j जाएगा, घटाएंगे आप तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, मतलब यहाँ पर आपका प्लस का j कैप आ गया। अब देखो यहाँ पर आपको समझ लेना है, माइनस का 5k कैप और आप घटा रहे हैं तो माइनस लग जाएगा, यहाँ पर देखो माइनस का 4k कैप पहले से है ना भाई, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस का 5k + 4k तो क्या हो जाएगा, माइनस का k कैप, तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों आपको माइनस का k कैप लिख लेना है, अपॉन में जो आपका b वेक्टर है ना उसी का आपको देखो मॉड कह रहा है, मॉड लेना है, तो b वेक्टर आपका यही है, इसका मॉड कैसे लेंगे, रूट के अंदर जो i j k के गुणांक हैं उनका स्क्वायर करके जोड़ दो,
तो आई का गुणांक है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया प्लस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा, k का गुणांक कितना है 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा मेरी प्यारी, मोड आपको लगा लेना है। ठीक बात है, आप समझ पा रहे होंगे मैं जो कह रहा हूँ। अब देखो करना ये है, करना क्या है मेरे दोस्तों, d बराबर देखो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है ना मेरे प्यारे भाई, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाल पाते हैं मैंने आपको अभी भी बताया था पहले दूसरे क्वेश्चन में। यहाँ पर देखो आई जे के लिख लेना है आपको, डिटर्मिनेंट के तरीके से सॉल्व होगा, आई हो गया, जे हो गया, के हो गया मेरे प्यारे भाई। ठीक बात है, अब क्या समझना है आपको, समझना ये है कि आई जे के का गुणांक कितना है 2, 3, 6, तो यहाँ पर आपको 2, 3, 6 लिख लेना है। दूसरे में देखो आई जे के का गुणांक कितना है 2, 1 - 1। अब सॉल्व जब आप करेंगे तो यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर प्लस होता है, आप जानते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आई। अब देखो सामने वाला रो कॉलम 0, 3 × 1 = 3, ये माइनस का 3 हो गया, 1 × 6 = 6, यहाँ पर माइनस का 6 हो जाएगा, ये बात आप समझ पा रहे होंगे, ये माइनस का जे के हो जाएगा कैप, इसके सामने वाला कॉलम रो कैंसिल हो जाएगा, देखो यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा, कोई तकलीफ, माइनस का 2 हो गया। अब देखो 2 × 6 = 12, लेकिन माइनस यहाँ पर लगता ही है, तो 2 × 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस का के कैप लिखना है आपको। अब देखो सामने वाला रो कॉलम 0, 1 × 2 = 2 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 2 × 3 = 6 हो जाएगा मेरी प्यारी भाई, आप सब बात को समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आई कितना आ जाएगा, देखो 6 × 3 = 9, तो माइनस का 9 आई। ठीक बात है, यहाँ पर देखो माइनस लगाए पहले से, देखो 12 × 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो देखो क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, 14 हो जाएगा, लेकिन माइनस का 14 आएगा, और मेरी प्यारी भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 14, यहाँ पर क्या जे है तो जे कैप हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर आप देख पाओगे 2 - 6, इसका मतलब क्या होगा, 2 में से 6 घटाएं कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा, आगे प्लस का है, तो ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 4 के कैप। बात समझ पाए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपका आ गया माइनस का 9 आई प्लस 14 जे माइनस का 4 के कैप अपॉन में रूट के अंदर, रूट के अंदर क्या है मेरे दोस्तों, देखो 2 का स्क्वायर है 4 ना भाई, देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो गया, 6 का स्क्वायर 36, तो देखो 36 × 4 = 40 = 49 आ गया, तो इसको आप रूट के अंदर 49 लिख लें मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो इसका आपने मॉड निकाल लिया था, तो इसको मॉड यहाँ पर लगाते हैं केवल केवल इतने में। अब देखो मेरे दोस्तों यहाँ पर जो आपको सदिश दिया गया है वो भी तो मॉड में है, देखो यहाँ पर जो सदिश आपको दिया गया इसका मॉड आपने निकाल लिया, तो रूट के अंदर 49 हो गया। अब जो सदिश इसका दिया गया इसको ये भी तो मॉड में है, तो मॉड कैसे निकालते हैं, इनका स्क्वायर मतलब अंडर रूट में स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तो अंडर रूट लगा ऊपर भी क्योंकि आपको मॉड निकालना है इसका भी ना, तो मॉड लगा था यहाँ पर, बड़ा वाला मॉड लगा था। ठीक बात है, तो यहाँ पर देखो इसका मॉड निकाल लिया, तो नीचे से इसको हटा लेते हैं, मॉड हमने आधा कर दिया, अब आधा बचा इसका मॉड निकाल लेते हैं, तो रूट के अंदर -9 का स्क्वायर हो जाएगा, -9 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, देखो मेरे दोस्तों देखो 49 को आप क्या लिख सकते हो, 7 का स्क्वायर 7 × 7 = 49, तो इस रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 7 बचेगा, तो आपका 7 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक बात है, अब देखो यहाँ पर d बराबर कितना हो जाएगा आपका, देखो इसको जोड़ते हैं 9 का स्क्वायर कितना हो, देखो -9 का स्क्वायर करो या +9 का स्क्वायर करो, बात तो एक ही आना है, तो 9 का स्क्वायर हो गया आपका 81, 14 का स्क्वायर 196, -4 का स्क्वायर 16, ठीक है कितना हो जाएगा आपका 6 × 6 = 12 × 13 कैरी 1 आएगा, और देखो यहाँ पर आप 9 × 1 = 10 × 8 = 18 × 19 = 9 कैरी 1 आएगा, 1 × 1 = 2, 293 आ गया ना भाई, इसको आप रूट के अंदर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इनको आपने जब जोड़ा तो रूट के अंदर आपको आ गया 293, अपॉन में कितना आ गया 7, तो मेरे दोस्तों ये जो बीच की दूरी न्यूनतम दूरी थी यही हो जाएगा रूट के अंदर 293/7, क्योंकि 293 कोई परफेक्ट स्क्वायर वगैरह नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, और हमें लगता है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, दोनों क्वेश्चन मैंने बताए, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 डिफरेंस क्या था, पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 था आपका वहाँ पर बी बराबर नहीं था, यहाँ पर बी बराबर है, तो जब बी बराबर रहेगा दोनों सदिश में तो यहाँ पर फॉर्मूला आपको ये लगाना है, और अगर बी बराबर नहीं है तो फॉर्मूला आपको क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था उस प्रकार से करना है मेरे प्यारे भाई, डिफरेंस समझ लेना, बदल के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चंस मतलब हम लोगों ने तो कई सारे स्टूडेंट ने गलती कर दिया था। ठीक बात है, तो इसको यहाँ पर आपको समझ लेना है, मैं इसीलिए आपको क्वेश्चन बताया कि पेपर में आएगा ही आएगा, और 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा मेरे प्यारे भाई, आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेशन जल्दी जल्दी कर लेंगे तो आसान हो जाएगा, इसको आप नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है 2 समतलों के बीच का कोण निकालना। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इस फॉर्मेट के 2 सवाल बनते हैं, दोनों में आपको करा देता हूँ। ठीक है, क्या कह रहा है कि 2 समतल आपको 2 समतल दिए गए हैं के बीच का
कोण सदिश विधि से। देखो एक सदिश विधि से ज्ञात करना है, इसका मतलब आपको ये जो आपका समीकरण दिया गया है वो आई जे के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो दो समतल के बीच कोण वही होगा जो उनके अभिलंबों के बीच का कोण होगा। तो मेरे प्यारे भाई देखो आपको बीच का कोण निकालना है दो समतल के, तो यहाँ पर मेरे प्यारे भाई देखो फॉर्मूला क्या होता है, अगर दो समतल के बीच का कोण निकालें तो कॉस थीटा बराबर होता है मॉड ऑफ एन वन वेक्टर डॉट एन टू वेक्टर, ठीक बात है मेरे प्यारे भाई। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये अभिलंब अपॉन में मॉड ऑफ एन वन वेक्टर मॉड ऑफ एन टू वेक्टर, ये आपका फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे भाई। तो अब देखो होगा ये एन वन एन टू आएगा कैसे, देखो यहाँ पर सदिश विधि से कहा गया है तो आपको सदिश विधि से ही निकालना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई, डायरेक्ट भी है अभी बताता हूँ। यहाँ पर देखो एन वन कैसे आएगा, एन वन आएगा मेरे प्यारे भाई सदिश विधि में, जो यहाँ पर देखो आपको कॉन्स्टेंट नहीं देखना है, जो एक्स वाई और जेड में लिखा गया है इसको आप क्या लिखो अभिलंब के फॉर्मेट में, मतलब आपका ये जो दो एक्स है इसको दो आई लिख सकते हो, प्लस का ये जे, ये वाई को जे कैप, ये माइनस का दो के कैप हो जाएगा, तो एन वन का मान ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से एन टू कैसे आएगा, यहाँ पर बस जो आई जे के एक्स वाई जेड में है इसे आई जे के फॉर्मेट में लिख लो, तो ये हो जाएगा तीन आई माइनस का छः जे और ये माइनस का दो के कैप है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक बात है। तो यहाँ से देखो आई जे के का मान रख दो, देखो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट ही रहेगा, ठीक बात है। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया एन वन डॉट एन टू, एन वन कितना है आपका दो आई प्लस का जे माइनस का दो के कैप, डॉट प्रोडक्ट लगाना है, ये एन टू आपका ये है तीन आई माइनस का छः जे माइनस का दो के कैप। अब देखो अपॉन में क्या लिखना है आपको, जो एन वन एन टू इनका मॉड लेना है, देखो मॉड ऑफ एन वन मॉड ऑफ एन टू, तो क्या हो जाएगा रूट के अंदर आई जे के गुणांकों का वर्ग कर दो, तो ये दो का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर एक का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस दो का स्क्वायर हो जाएगा आपका, फिर गुणा गुणा है इसका मतलब, ठीक बात है। देखो यहाँ पर क्या है मॉड ऑफ एन वन गुणा मॉड ऑफ एन टू, अब देखो जो एन टू है आपका इसका स्क्वायर करके जोड़ दो, तो देखो तीन का स्क्वायर है प्लस का, ये आपका माइनस छः का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का माइनस दो का स्क्वायर हो जाएगा, इसको जो आप ऐड करोगे तो यहाँ से कॉस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, देखो डॉट प्रोडक्ट है इसका मतलब आई का आई में गुणा करा दो, जे का जे में गुणा करा दो, छः के का के में गुणा करा दो, तो देखो दो छक कितना हो जाएगा बारह, यहाँ पर बारह लिख लेना है, नहीं नहीं दो तिहाई छः, दो तिहाई छः हो जाएगा यहाँ पर, माफ़ करना दो तिहाई छः। अब देखो यहाँ पर एक है, यहाँ पर माइनस का छः है, तो माइनस एक गुणे माइनस छः कितना हो जाएगा माइनस का छः ही आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, दो दुआई कितना हो जाएगा चार मेरे प्यारे भी, चार हो गया अपॉन में। देखो यहाँ पर बात को समझो आप, दो का स्क्वायर चार माइनस दो का स्क्वायर चार, चार चार आठ एक नौ, तो रूट के अंदर कितना आ गया नौ और बाहर आए कितना हो जाएगा तीन। देखो इसको जब आप जोड़ोगे तो आ जाएगा रूट के अंदर नौ, और रूट के अंदर नौ का मतलब क्या हो गया तीन हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर देखोगे छः का स्क्वायर छत्तीस, दो माइनस दो का देखो माइनस का स्क्वायर या प्लस का स्क्वायर बात एक ही है, छत्तीस दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा चार, छत्तीस चार चालीस, तीन का स्क्वायर नौ उनचास, तो ये रूट के अंदर कितना हो गया 49, बाहर आए कितना हो जाएगा सात, तो यहाँ पर गुणे में आपका हो जाएगा सात मेरे प्यारे दोस्तों, ये मॉड में हो जाएगा। देखो यहाँ पर माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि जो आपका कॉस थीटा है कॉस थीटा बराबर कितना आ गया चार बटे, अब मॉड ऑफ हटा दो कोई दिक्कत नहीं है, सात तीन सत्ते इक्कीस हो जाएगा। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों कॉस में चार बटे इक्कीस किसी का मान होता है नहीं होता है, पता ही नहीं है, तो इसको आप कैसे लिख दो इनवर्स फॉर्म में, ये कॉस उधर जाएगा कैसे हो जाएगा कॉस इनवर्स चार बटे इक्कीस, ठीक बात है। यही मेरे प्यारे दोस्तों आपको थीटा क्या कह रहा था, बीच का कोण निकालो एंगल निकालना था आपको, और यही आपका मेरे प्यारे भाई आंसर हो जाएगा, क्योंकि कॉस में चार बटे इक्कीस किसका मान होता है हमको पता ही नहीं है, तो कॉस को किधर भेज देंगे उधर भेज देंगे, क्योंकि हमको थीटा का मान निकालना था ना, तो हो जाएगा इनवर्स में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा था कॉस इनवर्स चार बटे इक्कीस हो जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक बात है। तो इसको आप नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए दोस्तों देखिए कह रहा है कि दो समतलों समीकरण दिया गया है के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे प्यारे भाई जो क्वेश्चन नंबर चार था आपका उसमें क्या कहा था कि सदिश विधि से ज्ञात करो, यहाँ पर कोई विधि कहा नहीं गया, यहाँ पर कह रहा है कि केवल केवल ज्ञात करो आपका, ठीक बात है। तो शॉर्ट फॉर्म क्या है, देखो आपको एक फॉर्मूला पता है कि कॉस थीटा, तो अभी मैंने आपको बताया वो तो सदिश विधि से था, ये उसका दूसरा फॉर्मूला है, कॉस थीटा होता है आपका मॉड ऑफ ए वन ए टू, ठीक बात है, प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू, अपॉन में क्या होता है, अपॉन में आपका होता है ए वन का स्क्वायर, अपॉन में क्या होता है मेरे प्यारे भाई ए वन का स्क्वायर प्लस बी वन का स्क्वायर
प्लस सी वन का स्क्वायर। अभी मैं सभी चीज़ें आपको डिफाइन कर देता हूँ, पर एक फॉर्मूला लिखने दो। फिर क्या होता है आपका, देखो ए वन वाला हो गया, अब ए टू में लिख लो, ए टू का स्क्वायर प्लस बी टू का स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा सी टू का स्क्वायर। ठीक बात है, जब सदिश विधि से नहीं कहेगा आपको तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारे मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। ठीक बात है, क्योंकि वो जरूरी था कि सदिश विधि से कह देगा तो सदिश विधि से। अब यहाँ पर देखो दिक अनुपात विधि से अगर निकालना हो आपको तो देखो अभिलंब का दिक अनुपात जो है, देखो दो समतल यहाँ पर जो ये रेखा दिया गया है मेरे प्यारे भाई, ये जो आपका माइनस सात है, अगर इक्वल किधर लेकर आओगे, बराबर सात दिया गया इक्वल किधर लेकर आओगे माइनस का सात हो जाएगा। ये देखो बराबर पाँच दिया गया इक्वल किधर लेकर आओगे तो माइनस का पाँच हो जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं? तो देखो इसका डायरेक्ट जो आपका व्यापक रूप है, जो व्यापक रूप है इसका, व्यापक रूप क्या है मेरे प्यारे भाई, इसका व्यापक रूप है मेरे प्यारे भाई ये इस प्रकार से है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस सी वन जेड और प्लस का हो जाएगा डी वन बराबर जीरो। ये जो आपका पहला रेखा दिया गया उसका ये समीकरण व्यापक रूप है। यहाँ पर देखो जो दूसरी आपका समतल दिया गया, समतल दिया गया है इसका आपका है कि ए टू एक्स प्लस बी टू वाई व्यापक रूप है मेरे प्यारे भाई। ठीक बात है, बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस का डी टू बराबर जीरो। देखो इसी प्रकार से आपका समतल लिखा गया है, ये ए वन, ए वन के फॉर्मेट में है आपका और ये ए टू के फॉर्मेट में है। एक सेकेंड, हाँ ठीक बात है, ठीक बात है, ऐसा ही है। आप देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इसका ये पहला समतल जो है इसका तुलना आप कराएंगे तो यहाँ से देखो ए वन का मान कितना मिलेगा, तीन। तो यहाँ से आप ए वन कितना पागे, तीन पागे। मैं आपसे कहता हूँ बी वन का मान निकालो तो यहाँ से बी वन कितना आ जाएगा, तुलना कराएंगे माइनस का छः आ जाएगा, आप तुलना कराना जानते होंगे। यहाँ से देखो सी वन का आप मान निकालेंगे तो सी वन कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा। इसी प्रकार से मैं आपसे कहता हूँ डी वन का मान निकालो तो डी वन बराबर कितना आ जाएगा आपका, माइनस का सात आ जाएगा। ठीक बात है, ये बात आप समझ पाए मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो इसी प्रकार से यहाँ पर मैं आपसे कहता हूँ जो दूसरा समतल आपका है तुलना कराएंगे तो ए टू बराबर कितना आएगा आपका, ए टू बराबर दो आएगा। आपसे कहता हूँ मैं बी टू का मान निकालो, बी टू बराबर कितना आएगा, दो आएगा। मैं आपसे कहता हूँ सी टू का मान निकालो, सी टू बराबर कितना आएगा, माइनस का दो आएगा। मैं आपसे कहता हूँ डी टू का मान निकालो, डी टू बराबर कितना आएगा, माइनस का पाँच आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक बात है, अब देखो आपको ए वन बी वन सी वन डी वन ए टू बी टू सी टू डी टू का आपको मान पता चल गया, आप यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर फॉर्मूला आपका है कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ए वन ए टू। तो देखो ए वन ए टू आप कराएंगे तो तीन गुणा दो, तो हो जाएगा तीन गुणा दो मेरे प्यारे भाई। देखो प्लस का सिंबल होता है, प्लस का सिंबल लगा लेंगे। बी वन बी टू आपको निकालना है, बी वन कितना है माइनस का छः, बी टू कितना है आपका दो, तो ये आपका हो जाएगा माइनस छः गुणा में दो प्लस का। सी वन सी टू, सी वन कितना है आपका दो है, सी टू कितना है माइनस का दो है, देखते रहना आप, दो गुणे माइनस का दो हो जाएगा अपॉन में, अपॉन में मैंने कहा आपको। अच्छा यहाँ पर आपने देखा होगा कि डी वन का काम नहीं लगा, तो डी वन आप लिखते या ना लिखते बात क्लियर है, लेकिन मैं आपको तुलना करा रहा था तो मैंने लिख दिया, डी वन का काम यहाँ पर नहीं लगेगा, डी वन डी टू का काम आपको यहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक बात है, आप देखो इसको रूट के, रूट के अंदर लिखना है, ए वन का स्क्वायर, ए टू का स्क्वायर, बी टू का स्क्वायर। ठीक बात है, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा तीन का स्क्वायर, यहाँ पर बी वन कितना है माइनस का छः, तो माइनस का छः का स्क्वायर यहाँ पर लिख लेना है, प्लस का सी वन कितना है आपका दो, तो आपका दो का स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अब फिर आपको ये गुणा में चीज़ें हैं, यहाँ पर देखो ए टू का कितना है दो का स्क्वायर हो जाएगा, बी टू कितना है आपका दो का स्क्वायर हो जाएगा, सी टू कितना है माइनस का दो का स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, क्या हो जाएगा माइनस का दो का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक बात है, इसी को आपको क्या कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है। तो कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, देखो देखो दो तीन दुनाई छः, और देखो यहाँ पर छः दुनाई बारह, तो ये देखो माइनस का बारह हो गया। अब देखो यहाँ पर भी आपका देखेंगे आप तो माइनस लगेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दो दुनाई चार हो जाएगा। अपॉन में देखो, अपॉन में अगर आप देखेंगे देखो छः का स्क्वायर छत्तीस, दो का स्क्वायर चार, छत्तीस चार चालीस, चालीस और तीन का स्क्वायर ना उनचास, तो आपका हो गया रूट के अंदर उनचास मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर गुणा आप जब लगाएंगे तो देखो यहाँ पर माइनस दो का स्क्वायर कितना होता है, दो का स्क्वायर चार, चार चार आठ चार बारह, ये आपका हो जाएगा बारह। यहाँ पर जब आप आएंगे तो ये कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका, एक सेकंड में देख लेता हूँ आपका कैमरा ऑन है या नहीं, क्योंकि ऐसा कभी कभी हो जाता है कि मैं पढ़ाता ही रहता हूँ और कैमरा ऑन ही नहीं रहता, पूरा लेक्चर खत्म हो गया बाद में पता चला कैमरा ऑन ही नहीं है। ठीक बात है, तो ऐसा देख लिया जाता है बीच बीच में। देखो ये आपका छः हो जाएगा माइनस का, देखो पहले आप माइनस वाले को जोड़ लो, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगता है, तो बारह चार कितना हो जाएगा सोलह, तो छः माइनस सोलह हो गया बटे, देखो ये सात उनचास, रूट के अंदर उनचास है बाहर आएगा सात हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों बारह। देखो रूट के अंदर बारह है, बारह को आप चार गुणे तीन लिख सकते हो, अब चार परफेक्ट स्क्वायर है बाहर आएगा दो, तो दो रूट तीन, बारह को आप लिख सकते हो दो रूट तीन, तो गुणा में आप दो रूट तीन लिख सकते हो बराबर। यहाँ पर आप देखेंगे
बराबर यहाँ पर आप देखेंगे मेरे प्यारे भाई, ये कॉस थीटा हो जाएगा बराबर। देखो यहाँ पर देखो, 6 - 16 इसका मतलब क्या हो गया, माइनस का 10 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, माइनस का 10 हो गया। 2 से कैंसिल करो, 2 - 1 = 2, 2 - 5 = 10 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। देखो मॉड के अंदर माइनस का 5 है ना, तो बाहर आए क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि मॉड में कोई चीज़ अगर माइनस का रहती है वही प्लस का जाता है। इसी वजह से मेरे प्यारे भाई यहाँ पर मॉड दिया जाता है आपको, ठीक बात है। तो मॉड के अंदर माइनस है, बाहर आएगा प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पर देखो 7 बचा, यहाँ पर √3 बचा, ये हो जाएगा आपका 7 × √3। देखो आंसर तो आपका ये भी सही है, आंसर तो आपका ये भी सही है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, √3 से ऊपर नीचे कॉन्जुगेट गुणा करा दें, √3 ऊपर √3, ठीक बात है। तो यहाँ पर देखो कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, कॉस थीटा बराबर आपका आ जाएगा 5√3 बटे, देखो √3 √3 कितना होता है 3, और 7 × 3 का कितना हो जाएगा 21। तो आपको निकालना क्या था, बीच का कोण ज्ञात करना था, मतलब थीटा का मान निकालना है। कॉस उधर चला जाएगा तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 5√3 बटे कितना हो जाएगा 21। और यही मेरे दोस्तों आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। हमें लगता है आपको ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक बात है। इसको आप नोट कर लें, हाँ आपका आंसर तो यही आ रहा है मेरे प्यारे भाई, ठीक बात है। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमें लगता है आपको यह सवाल समझ में आया होगा, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप नए स्टूडेंट हैं ना, तो सब्सक्राइब अगर आप जरूर कर देना, सब्सक्राइब अगर आप करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और वीडियोज़ प्रोवाइड करा पाते हैं, ठीक बात है। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। एक अच्छा सा कमेंट बताना आप कमेंट सेक्शन में, अगर आपको ये सभी वीडियो समझ में आ रहे हैं ना, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, थैंक यू भाई।